जय बापू दी। ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदा जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का सुंदर प्रसंग चल रहा है। महाप्रभु जी जगन्नाथ मंदिर में पहुंचे हुए हैं और मंदिर के अंदर वो परिक्रमा कर रहे हैं, सारे स्थानों के दर्शन कर रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं महाप्रभु जी परिक्रमा करते हुए, तो देखते हैं एक बहुत सुंदर बगीचा आता है मंदिर के अंदर ही। जगन्नाथ भगवान जी को जितने भी फूल चढ़ाए जाते हैं, जितना भी तुलसी दल चढ़ाया जाता है, वो सारा मंदिर के बगीचे से ही वहीं से तोड़ा जाता है, वहीं होता है और वो चढ़ाया जाता है। और उस मैं कहां बगीचे में है, कौन से बगीचे से? अच्छा, मंदिर के अंदर ही है वो बगीचा, उसका नाम है अलख उद्यान। वहीं पे फूल उगाए जाते हैं, तुलसी दल है, और वही तोड़कर वही चढ़ाए जाते हैं भगवान जी को। वहां पे अब महाप्रभु जी ने देखा इतना सुंदर बगीचा बना हुआ है, वो बैठ गए और वहां पे कीर्तन करने लगे अपने भक्तों के साथ। तो इस समय महाप्रभु जी बैठे हुए उस स्थान में, अलख उद्यान में, बगीचे में जो मंदिर के अंदर है, और सिमरन कर रहे हैं उस लीला का। वो लीला कि जो एक धीवर की कन्या जो जयदेव जी के गीत गोविंद को गाया करती थी, जिसने अष्टपदी याद कर ली थी गीत गोविंद की, और वो बच्ची घूमते घूमते जो है गाती जाती थी और पीछे पीछे जगन्नाथ जी जाया करते थे। तो उस लीला का सिमरन कर रहे हैं महाप्रभु जी, याद कर रहे हैं उस लीला को कि वो लड़की गाती जा रही है गीत गोविंद की पंक्तियां, और पीछे पीछे जो है जगन्नाथ जी जा रहे हैं, और उनका जो अंग वस्त्र है वो झाड़ियों में फंस गया है। फिर कन्या को बुलाया गया राजा के दरबार में, और उस गीत गोविंद की महिमा को सुन रहे हैं महाप्रभु जी और गा रहे हैं अपने भक्तों के साथ, बड़े मग्न है और अलख उद्यान में बैठे हुए हैं। तो ये कहते हैं कि आज भी प्रत्येक दिन रात के समय जब जगन्नाथ भगवान जी को सुलाया जाता है, शयन कराया जाता है, तो उनको गीत गोविंद सुनाया जाता है, और उसके बाद जो उनके ऊपर वस्त्र उड़ाए जाते हैं भगवान जी के ऊपर, वो रेशमी वस्त्र है, और रेशमी वस्त्रों पे जो कढ़ाई हो रखी है वो पूरी कढ़ाई में गीत गोविंद लिखा हुआ है, पूरा गीत गोविंद। पूरी चादर जो है वो प्रभु जी को उड़ाई जाती है। अब महाप्रभु जी उस अलख उद्यान से बाहर निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। एक जगह आती है मंदिर के अंदर, कोयली वैकुंठ। कोयली वैकुंठ जगह है, ये वो स्थान है मंदिर का जहां पे जगन्नाथ जी के पुराने विग्रहों को समाधि दी जाती है। और ये कब दी जाती है, जब दो आषाढ़ पड़ते हैं, और 12 साल में तब जगन्नाथ भगवान जी का विग्रह परिवर्तन होता है। बड़ी दिव्य विधि है, इतनी दिव्य विधि है कि जगन्नाथ जी के मंदिर के पास एक मंगला जी का मंदिर है। पंडित लोग जो पुजारी जी हैं वहां जाते हैं जब ये समय आता है, और पूरा पूरा दिन यज्ञ करते हैं। रात को उनको स्वप्न में संकेत होता है, आज भी यही प्रक्रिया है, चाहे कितना ही घोर कलयुग आ गया है, स्वप्नादेश होता है उन पुजारियों को, और जो मंगला देवी है मंदिर में वो ये संकेत करती है कि कहाँ पर जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी के विग्रह के लिए वृक्ष मिलेगा। स्वप्न में ये संकेत होता है, और उसी दिशा में उसी गांव में वो पुजारी पहुंचते हैं। जो जो स्वप्न में वो देखते हैं कि उस वृक्ष के पास एक वट वृक्ष होना चाहिए, चारों ओर कौन कौन से वृक्ष होने चाहिए, पास में जल भी होना चाहिए, उस पेड़ के चारों ओर सर्प लिपटा हुआ होता है, उस पेड़ पे एक चिन्ह बना हुआ होता है, ये स्वप्न में सारा आदेश आता है। और उसी प्रक्रिया से वो पुजारी चलते हैं, और उन्हीं दिशाओं में जो स्वप्न में वो देखते हैं उन्हीं दिशाओं में उनको वो वृक्ष मिलते हैं। फिर उन वृक्षों के पास वो पुजारी जाते हैं, बड़े वहां पे पूजा और यज्ञ करते हैं, और यज्ञ करने के बाद उन वृक्षों से निवेदन करते हैं, बड़ा आग्रह करते हैं। और चूंकि सपने में ये भी आता है कि इन पेड़ों के पास वट वृक्ष होना चाहिए, तो जब इन वृक्षों को काटा जाता है तो पहले तो सारा दिन उनकी पूजा की गई, फिर उनसे आग्रह किया गया, उसके बाद सोने की कुल्हाड़ी उनको छुआई जाती है।
सोने की कुल्हाड़ी से ऐसे छूकर फिर चांदी की कुल्हाड़ी उठाई जाती है, उनसे छुआ जाता है। फिर लोहे की लेते हैं कुल्हाड़ी और उससे जो पेड़ की शाखाएं हैं जिनसे वो स्वरूप बनने हैं उनको काटा जाता है। जो शाखाएं कट गई, जो छोटी शाखाएं हैं ऊपर की जो कट गई, उनको उसी पेड़ के चारों ओर गड्ढा खोद के दबा दिया जाता है। और जो मुख्य तना है पेड़ का, बीच का तना है, उससे वो स्वरूप, वो विग्रह तैयार होते हैं। लेकिन अब वो मंदिर कैसे जाएंगे? वो मंदिर जो पास में वट वृक्ष का होना जरूरी है, जो स्वप्न में बताया जाता है, उस वट वृक्ष का रथ बनाया जाता है। उस रथ में चढ़ा के उन काष्ठ को फिर मंदिर लेके जाया जाता है। और जब वो मंदिर में पहुंच जाते हैं तो विशेष सेवा की जाती है इन काष्ठों की, क्योंकि उनसे तो स्वरूप बनने हैं। ये सारा कार्य पुजारी वही करते हैं जो स्वप्न के अनुसार आदेश होता है। और यहाँ पे जब वो काष्ठ आ जाते हैं तो उनको क्या करते हैं कि ज्येष्ठ की पूर्णिमा को स्नान कराया जाता है। और स्नान कराने पर कहते हैं कि जो जगन्नाथ भगवान जी हैं उनको जो है रोज रोज स्नान नहीं कराया जाता, उनको जो साल में एक बार ही उनको स्नान कराया जाता है। रोज केवल दर्पण स्नान कराते हैं जगन्नाथ भगवान जी को, और स्नान वेदी पे विराजमान उन्हें कराया जाता है, और हजारों कलशों से स्नान होता है जगन्नाथ भगवान जी का। तो वो जो शाखानी है उनकी सेवा भी दी जाती है, बड़े विशेष पुजारियों को विशेष सेवा ये दी जाती है। और आषाढ़ कृष्ण की अमावस्या को जब ये विग्रह बन के तैयार हो जाते हैं तो इनमें ब्रह्म परिवर्तन होता है। ये प्रक्रिया हर 12 साल बाद होती है। ब्रह्म परिवर्तन क्या होता है कि जो पुराने विग्रह वहां मंदिर में रखे हैं, सुभद्रा जी के, जगन्नाथ जी के, बलभद्र जी के, उनके गले में एक ब्रह्म है, और वो ब्रह्म ही वो शक्ति है। और स्वप्न के आदेश के अनुसार जिस व्यक्ति को वो सेवा मिली होती है उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसको मंदिर के अंदर ले लिया जाता है। विग्रह वहां नए विग्रह वहां विराजमान है, और पुराने विग्रहों से उस ब्रह्म को आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, उस ब्रह्म को कंठ से निकाल के नए विग्रहों में स्थानांतरित किया जाता है। और ये कहते हैं कि 1 साल तक जो पुराने विग्रह हैं वो वही रहते हैं, उन्हें शांत होने में 1 साल लग जाता है। और फिर मंदिर के अंदर ही वो स्थान कोयली वैकुंठ, जहां पे उन पुराने विग्रहों को मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, आज उसी स्थान का दर्शन कर रहे हैं महाप्रभु जी। और इस स्थान का दर्शन करते हैं, यहाँ नमस्कार करते हैं, कीर्तन भजन करते हैं और फिर वो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जब स्नान की बात आती है, महाप्रभु जी के स्नान की बात आती है, तो ये जगन्नाथ भगवान जी के स्नान की बात आती है कि जो स्नान कराया जाता है जगन्नाथ भगवान जी को, वो रोज तो कराया नहीं जाता, वो साल में एक बार कराया जाता है। तो एक बात और कही जाती है कि जो एक बार स्नान कराया गया वो हजारों हजारों बाल्टियों जल से कराया जाता है। तो उसके बाद 15 दिन तक जो जगन्नाथ जी का मंदिर है वो बंद रहता है, और उनको जो भोग लगाया जाता है, भोग में काढ़ा और औषधियां दी जाती है। वहां की ये मान्यता है कि जब साल में एक बार नहाते हैं तो अब जो जगन्नाथ जी है वो थोड़े स्वस्थ नहीं है, अब उनको सर्दी जुकाम हो गया है, तो 15 दिन के लिए मंदिर बंद और औषधि और काढ़ा का भोग जो है प्रभु को लगाया कमाल जाता कमाल है। और जो नित्य स्नान होता है, नित्य स्नान में तो केवल दर्पण दिखा देते हैं और दर्पण में उनका प्रतिबिंब आता है और प्रतिबिंब को नहला देते हैं, बाकी जो विशेष स्नान है वो साल में एक बार होता है जगन्नाथ जी का। तो अब ये कोयली वैकुंठ जगह से आगे बढ़ते हैं, महाप्रभु जी मंदिर के अंदर ही परिक्रमा कर रहे हैं, और सुबह से रात तक की इतनी सुंदर विधाएं हैं जगन्नाथ भगवान जी की कि पहले तो पद गा गा के प्रभु जी को उठाते हैं, जगन्नाथ जी को, और फिर उनके बाद उनके दंत का प्रक्षालन होता है, दांतों को साफ किया जाता है, फिर चांदी के प्रतिबिंब लाते हैं और प्रतिबिंब ऐसे दिखाते हैं चांदी के प्रतिबिंब, फिर वही स्नान प्रक्रिया की प्रतिबिंब को नहलाना है, और फिर आती है भोग की बारी। तो अब सुबह ही भगवान जी को भोग लगना है, तो पहला भोग है वो है खिचड़ी का भोग। और ये किस भाव से लगता है जगन्नाथ भगवान जी को?
वही कर्मा बाई जी की खिचड़ी के भाव से ये भोग लगता है। कर्मा बाई जी कौन थी? कर्मा बाई जी राजस्थान की एक कन्या थी रहने वाली वहां की, और वो बड़ी छोटी अवस्था में भाग कर जो है वो जगन्नाथ जी में आ गई थी। उनका बड़ा प्रेम था, कन्या का बड़ा प्रेम था भगवान जी से। तो कहते हैं कि प्रभु भी तो अपने सेवक के प्रति रुचि रखते हैं, राम सदा सेवक रुचि राखी। तो कर्मा बाई थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई, जगन्नाथ जी में रहने लगी, तो जब वो देखती है अरे कैसे है पंडे, इतनी बड़ी रसोई, इतनी हांडियां, घंटों घंटों लगा देते हैं, 11-11 बजे तक भोग ही नहीं बनता, और ये प्रभु जी तो सुबह ही उठ जाते हैं, इनको तो भूख लगती होगी। वो रोज सोचती थी ये कर्मा बाई। कर्मा बाई नाम नहीं था, कर्मा नाम नहीं था, नाम नहीं पता था, नाम कैसे हुआ? जब वो ये सोचती थी तो उसने क्या किया, उसने अपने घर में, जो कर्मा बाई थी उन्होंने अपने घर में जो है खिचड़ी बनानी शुरू कर दी, अपने घर की रसोई में, कि अरे ये पंडे तो बड़ी देर लगाते हैं खाना बनाने में, मेरे प्रभु को तो सुबह सुबह भूख लगती होगी। तो जब वो अपने घर में खिचड़ी बनाने लगी तो बड़े भाव से वो रोज ठाकुर जी को अर्पण करने लगी। अब कहते हैं ना कि होते आई भगवान भगत के बस में, शबरी की जूठन खाए भगवान भगत के बस में, सुदामा के तंदुल पाए भगवान भगत के बस में, नामा जय का छप्पर छाए भगवान भगत के बस में, वाह भन्नाघर बैल चराए भगवान भगत के बस में। तो कर्मा बाई की जो भावना थी वो सच्ची थी। और एक दिन तो ठाकुर जी प्रत्यक्ष ही आ गए। अब पहले तो अकेले आते थे जगन्नाथ प्रभु जी, फिर धीरे धीरे बलभद्र जी, फिर सुभद्रा जी, तीनों भाई बहन साक्षात दर्शन देते, साक्षात खिचड़ी खाने आते कर्मा बाई जी के घर। तीनों वाह पहुंचते, अब वो जाते तो चूंकि जो कर्मा बाई जी थे थोड़ी देर होती थी खिचड़ी बनाने में, तो कर्मा नाम नहीं था, कन्या थी, नाम पता नहीं कि नाम क्या था। तो वहां पे खड़े होकर ठाकुर जी दरवाजे पर कहते थे जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा, तो कर्मा 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 कहते रहते थे। तो कर्मा नाम सुनना पड़ गया। तो एक दिन हुआ ये कि कर्मा बाई के यहाँ संत सेवा भी वो खूब करती थी, कोई भी आ जाता था तो जो बना होता था बड़े भाव से खिलाती थी। अब संत पधारे के रात को, तो सुबह हाँ कि अरे ये कैसी है, ये तो बिना नहाए धोए ही तो रसोई में घुस गई। तो महात्मा जी उठ खड़े हुए और कर्मा बाई से कहते हैं अरे तुमने स्नान नहीं किया? तो कर्मा बाई बोली पहले स्नान करती थी, ठाकुर जी आते हैं उन्हें भोग लगाना होता है, देर हो जाती है। अब वो कहते हैं कर्मा कर्मा, अरे तुमने तो बर्तन भी नहीं मांजे। महात्मा जी कहते हैं देखो कैसे पूरी तरह से सही से बर्तन भी नहीं मांजे, तुमने तो रसोई में पोछा भी नहीं लगाया। अब महात्मा जी ऐसे कहते हैं अरे परम पवित्र रसोई होनी चाहिए, बिल्कुल पवित्रता बरतनी चाहिए रसोई में, पहले स्नान किया करो, फिर बर्तन मांजो, फिर गोबर से पोछा लगाओ, फिर अच्छी तरह चावल दाल धो, फिर बनाओ, लकड़ी सुखा के लाओ, उसमें कोई कीट पतंगा तो नहीं है। तो कर्मा बाई जी सुन रही थी सारी बात संत की, जो उनके घर में पधारे थे, कहती है अच्छा कल से ऐसे ही बनाऊंगी। अब बेचारी लग गई उस विधि में। अब अगले दिन क्या हुआ, ठाकुर जी तो जल्दी आ गए। अब जब ठाकुर जी आए तो कह रहे हैं जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा, कहती है अभी नहा तो आऊं। अब नहाने लगी तो जल्दी कर्मा, अरे अभी पोछा तो लगा लूं। फिर कहते हैं जल्दी कर्मा, अरे अभी बर्तन तो मांज लूं। और ऐसे करते करते 12 बजे उधर मंदिर का घंटा बज गया। अब मंदिर का घंटा बजा तो इधर खाई ना खाई, और उठ के प्रभु जी तो चले वहां से, और प्रभु जी वहां से चले गए। उस दिन उन्होंने वो खिचड़ी का भोग नहीं लगाया। सारा दिन कर्मा बाई रोती रही कि आज मेरे प्रभु भूखे चले गए, अब क्या होगा, मेरे प्रभु तो भूखे ही रह गए आज। खूब रोई। अब ये जो साधु आए थे उनके घर में, जो प्रभु जी वहां विराजमान थे, साधु को तो देख रहे थे, तो साधु पे टेढ़ी नजर थी प्रभु की, लेकिन साधु को नहीं दिखाई दे रहा था कि ठाकुर जी यहाँ भोग लगाने आते हैं। तो रात को साधु को सपन में आए ठाकुर जी, कहते हैं अरे क्या तुमने कर्मा माई को सिखा दिया आज जाके, कि स्नान करो, पोछा लगाओ, ये करो वो करो कितनी। तो साधु कहते हैं सपने में ही बोल रहे हैं, अरे प्रभु मैंने कोई गलत बात थोड़ी कही, आपके शास्त्रों में ही तो लिखा है ये। तो प्रभु कहते हैं शास्त्रों में तो लिखा है, लेकिन कर्मा भाई भाव तक पहुंच गई है, इस ऊंचे भाव में पहुंच गई है, इतना ऊंचा उठ गई है, वहां इनकी आवश्यकता नहीं है। अब शबरी मैया ने झूठे बेर खिलाए। तो अगर हम सोचने लगे
कि शबरी मैया ने झूठे बैल खिलाए और हम भी झूठा खिला दें, तो ये तो बहुत बड़ा अपराध होगा, क्योंकि शबरी मैया तक जैसा बनने के लिए और पहुंचने के लिए तो कई जन्म गंवाने पड़ेंगे, तब जाके शबरी मैया जैसा बनना पड़ेगा, कि हम सोच सोचे। तो उन्होंने साधु को कहा कि भाई पवित्रता तो होनी चाहिए, शास्त्र सही है, लेकिन नहीं, कर्मा बाई बड़ी ऊंची अवस्था पे आ गई है, उनके लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, तुम सुबह जाना दोबारा और उनसे कहना वैसे ही बनाओ भोजन जैसे पहले बनाती थी। अगले दिन साधु गए बड़ी तेजी से, कर्मा जी के पास पहुंचे और कहते हैं कि अरे भाई तुम ऐसे ही बनाओ जैसे बना रहे हो, कोई कार्य मत करो, कोई कार्य मत करो। तो ठीक है, अब उन्होंने फिर जो है वैसे ही बनाना शुरू कर दिया, रसोई का सब जो काम करना था, झाड़ू पोछा सफाई सब छोड़ी और जो है भोजन प्रभु के लिए बनाया। अब ये कार्य करते करते नित्य प्रतिदिन प्रभु को भोग लगाने में समय बीतता चला गया, कर्मा जी बूढ़ी हो गई और एक दिन ऐसा आया कि उनके प्राण निकल गए। ये कहते हैं कि जब कर्माबाई जी के प्राण छूटे, उनका कोई नहीं था, सारे लोग कहते थे इनका कोई नहीं है, इनका कौन है रोने वाला। 5 दिन तक बालक रूप में एक सांवला सलोना बालक आता था और खूब रोता था, उनकी जहाँ कुटिया थी कुटिया के आगे दरवाजे पे खड़ा होके, माँ मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा, माँ मुझे खिचड़ी तो खिला दो, माँ तुम कहाँ चली गई हो, खूब रोता वो बालक। 5 दिन तक लोगों ने देखा उस बालक को रोते हुए, और जबकि वो कहते थे इसका तो कोई है ही नहीं, कौन है इसका रोने वाला। और उधर मंदिर में जब प्रभु जी ये घटना घटी, इधर कर्मा बाई जी ने शरीर छोड़ा, तो प्रभु जी ने भोग लगाना बंद कर दिया, भोजन ग्रहण करना बंद कर दिया। अब इस बात का पता कैसे चला, जिस समय ठाकुर जी को जगन्नाथ जी को भोग लगाया जाता है तो भोग लगाने के बाद आचमन कराया जाता है, और आचमन में प्रभु जी का प्रतिबिंब दिखता है, अगर प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे तो इसका मतलब आज रसोई में कुछ अशुद्धि हुई है। अब एक दिन बीते, 2 दिन बीते, सारे पुजारी परेशान, सब में ये फैल गया, अरे ऐसा क्या हो गया, प्रभु तो भोग ही नहीं लगा रहे ना, उनका जब आचमन कराते हैं तो प्रतिबिंब भी नहीं दिखता, सब बड़े परेशान, सब बड़े परेशान, कोई अशुद्धि हो गई है, कोई अशुद्धि हो गई है। अब कहते हैं कि अगर कोई पंछी भोग के ऊपर से लांग जाए तो अशुद्ध, कोई बाल आ जाए तो पूरा उनका भोग अशुद्ध, तो किसी भी तरह का कुछ ऐसी घटना घटती है तो वो अशुद्धि हो जाती है। अब ठाकुर जी का प्रतिबिंब नहीं आ रहा है, पंडा लोग बड़े व्याकुल है, तो फिर उन्हीं में से पुजारियों को स्वप्न आता है, ये स्वप्न में आदेश हुआ, हम कलयुग के हैं प्राणी, हम शायद ये बात ना स्वीकारें, लेकिन हमारे ग्रंथों में ये लिखा है कि 300 साल पहले तक जो जगन्नाथ जी हैं, जो श्रीनाथ जी हैं, वो बोल बोल कर बातें करते थे अपने भक्तों से, जो शुद्ध हृदय के उनके भक्त होते थे उनसे बोलते थे, बतियाते थे, ये दादा रमन जी हैं हमारे, गोपीनाथ जी हैं, इन्होंने तो वृंदावन के आचार्यों से मांग मांग के भोग लगवाया है कि आज ये भोग आज ये भोग, और ये बिल्कुल सत्य है। आज नहीं है क्योंकि हमारे हृदय शुद्ध नहीं है, हमारे शुद्ध नहीं है, इसीलिए ऐसा हम महसूस नहीं कर सकते। तो वो पंडाओं को स्वप्न आया कि उन्होंने पूछा, पंडा ने पूछा जिसको स्वप्न आया कि प्रभु भोग क्यों नहीं लगा रहे, आपका आचमन में प्रतिबिंब भी नहीं आ रहा। तो प्रभु ने बताया कि मैं तो कर्मा की खिचड़ी खाने का आदि हो गया हूँ, अब मुझसे भोग नहीं लगाया जाता, ये स्वप्न का आदेश हुआ कि अब मुझसे भोग नहीं पाया जाएगा, मेरी कर्मा नहीं है। तब से ये नियम हुआ कि सवेरे के भोग में प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में खिचड़ी बनेगी, और जिस समय खिचड़ी बनती है तो इसी भाव से पंडा लोग अर्पण करते हैं कि प्रभु आपकी कर्मा बाई ने खिचड़ी भेजी है, भोग लगा लीजिए, और आरती होती है, सारा दिन आरती होती है, भोग लगती है और प्रभु का बड़ श्रृंगार होता है। कहते हैं प्रभु जगन्नाथ भगवान जी को दिन में कम से कम 35 से 36 बार भोग लगता है, और उनके पहले भोग की शुरुआत इसी खिचड़ी से होती है। तो ऐसे प्रभु जगन्नाथ जी की महिमा, ऐसे उनके भक्तों की महिमा अपरंपार, जिनको जीवा से कहना बहुत मुश्किल है, उनका पार नहीं पाया जा सकता, बहुत ही सुंदर उनका गुणगान है। जय बापू। वाह, जय जय बापू जी, जय जगन्नाथ जी महाराज की सदा, जय जय महाप्रभु की जय, जय कर्मा बाई की जय हो। वाह वाह वाह, आपका भी कोटि राधे कोटि राधे धन्यवाद। भाई साहब।
राधे राधे। और मुझे ये जो आप ये सोच के ना कि हाँ भाई ये प्रभु साक्षात हैं यहाँ पे, हम लोग तो भोग लगाते हैं ऐसे ही बस, खाना पूर्ति जैसे होती है ना भोग। तो मेरे माता श्री जो थे वो बड़ा बड़े प्रेम से भोग लगाया करते थे। तो एक दिन भगत कश्मीर लाल जी आए हुए थे, तो भगत कश्मीर लाल जी सर्दियों को आया करते थे एक हफ्ते के लिए, महाराज जी खुद भेजा करते थे अबोहर में नंदा चौर से, तो बापू शारदा राम जी महाराज। तो वो आए तो एक दिन कहते चलो मैं भी सुनता हूँ भी क्या कैसे भोग लगाते हो आप, है दोपहर में लंच का भोग लगाते थे मोस्टली। तो वो ऐसे बना के बड़े प्रेम से खुद बना के ऐसा सारा जब लगाने लगे, तो ऐसे जैसे बात करते हैं ना, आओ भोग लगाओ मेरे साथ, दासां को दर सिखाओ मेरे सतगुरु। तो वो इस तरह का कोई ना कोई बहुत ही बढ़िया है, वो मेरे एक वीडियो में भी है भोग लगाने की ना, मैं आपको भेजूंगा यूट्यूब में। तो मैं वो वाला ना, उन्होंने क्या किया तो जैसे बोलते गए ऐसे जो भी मन में आता गया ऐसे राइम के साथ बनता गया बनता गया, ऐसी कृपा होती प्रभु की। तो वो जब भोग लगा के हटे ना, तो उनकी आंखों में आंसू थे अपने भगत कश्मीर लाल जी, तो कहते हैं भैन जी इतने बापू शारदा राम खुद थोड़े तो भोग लगा आते हैं, ही वॉज क्राइंग लाइक ए टीयर इन हिज आईज। तो मतलब बात का इतने प्रेम से भोग लो। तो मैं उसके लिए जब माता जी के लिए ऐसे दो लाइनें लिखी थी, कुछ ऐसा छोटा सा भजन लिखा था, तो उसमें से एक अंतरा ये भी था कि सतगुरु में श्रद्धा ऐसी शबरी भीलनी के जैसी। श्रद्धा ऐसा देखो प्रेम जो है ना, जो भीली मैया ने जो शबरी मैया ने जो इतना प्रेम अपने गुरु से किया, अपने गुरु का वचन जो उन्होंने दे के गए थे, उनका शुभ नाम आपको अगर याद है तो बताना। और सब ऋषि उन ऋषियों का नाम है मतंग ऋषि, हाँ जी मतंग ऋषि, हाँ मतंग, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मतंग ऋषि ने जो ऐसा वरदान दिया था भी, बेटी तू इतना प्रेम से करती है और दिखाती भी नहीं है भी, ऐसे चुपचाप आके सेवा कर जाती है ना, वो डरती थी भी मैं ऐसी भेलनी हूं तो शायद मेरा स्वीकार नहीं करेंगे। तो वो क्या है कि वो उसको ये वरदान दिया था, उसका आशीर्वाद दे दिया था कि तुझे ढूंढते हुए खुद राम जी ने अवतार ले लिया है, तो राम जी ने विष्णु भगवान ने अवतार ले लिया और आपके घर पे ही आएंगे। इतना सेवा, इतनी जो हाथ से सेवा कर रही है, और वो भी मतलब बिल्कुल कोई मन में ऐसा नहीं है, हम लोग करते हैं शायद सेल्फिश मोटिव, मैं 40 दिन वहां जाऊंगी या जाऊंगा तो मेरा ये काम पूरा हो जाए, मैं ये वो नहीं, सिर्फ प्रेम।